मैंने जो कहा वो याद है ना, फर्स्ट सॉन्ग बहन की आएगी बारात, भाई को खुशी होगी। ठीक है ठीक है ठीक है, वन टू। ए, मेरी बहन मंडप से भाग गई है और तू यहाँ आके गाना बजा रहा है। क्या सर, आपकी छोटी बहन भाग गई क्या? भी हमारे पास गाना है सर। हा? लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियाँ तो हैं बलाए। ये कैसे बेवकूफ लोग हैं? अरे पिताजी गिर गए। आपके पिताजी को उठाने के लिए भी मेरे भाई के पास जाना है। उज्जा 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 मेरे राजा। दादाजी ये सब इतना जोर से बजा। बंद कर बाजा। दादाजी पिताजी आराम से। पिताजी बंद करो यार। बंद करो, क्या कर रहे हो? इतने जोर से बजा रहे, लगता है इसीलिए मर गए। पिताजी मर गया। अरे चलो भागो। लगता है अब तो छोड़ने वाले नहीं है, हम तो मर गए। जल्दी कर, आज अपने हाथों से इसका बैंड बजाऊंगा। क्या हुआ भाई, क्यों रुके? बाद में मारना, पहले भागो, पीछे यमदूत आ रहा है। ए, जल्दी भागा। अरे भागा भागा और तेज भागा। अरे बाप रे, गाड़ी कुदा के मार डालोगे क्या? इधर गया, आगे चल, उधर ही गए होंगे। इधर ही गया होगा। हाँ, चलो चल चल। लड़की के चक्कर में हमारी जान लेगा। सुनो बच्चों, जो व्यक्ति पुण्य नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है, और जो पुण्य के काम करता है उसका जीवन सफल है। थोड़ा समझ में ऐसे बताओ। पुण्य पुण्यस्त पुण्यः, पुण्य 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 है। ओ, फैंटास्टिक। फिर भी कुछ समझ नहीं आया। लगता है ये मंत्र इन्होंने खुद ही लिखा होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम लोगों को समझ में आए ऐसे बताती हूँ। बाइक चलानी हो तो पेट्रोल की जरूरत होती है, एसी चलाना हो तो बिजली की जरूरत होती है। वैसे ही अगर तुम्हारी जिंदगी अच्छी बनानी हो तो पुण्य की जरूरत होती है। कितना अच्छा बोल रही है। पुण्य के काम करने से भगवान खुश होके पैसे जॉब तुम्हें सब कुछ दे देते हैं। पति भी। बेचारी लड़की पागल हो गई है भाई, पुण्य कमाने के पीछे पागल हो गई है। मुझे ये पुण्यवती बहुत पसंद आ गई। ए, मेरे साथ आओ। मैं बच्चों को लेकर घर जाती हूँ, तुम सामान लेने के लिए मार्केट चली जाओ। ठीक है चलो। अब तुम लड़की के पीछे पागल हो गए। हेलो पुण्यवती जी, पुण्यवती जी सुनिए ना। मेरा नाम इंदुमती है, पुण्यवती नहीं। पुण्यवती हो या मंद बुद्धि, मैं तो मंद हो ही चुका हूँ ना। क्या कहा, मंद बुद्धि? इसको तो मैं। वैसे आप रोज मंदिर में आती हैं क्या? मैं रोज इस मंदिर में नहीं आती। सोमवार शिव जी के मंदिर, मंगलवार माता जी के मंदिर, बुधवार गणपति जी के मंदिर, गुरुवार साईं बाबा जी के, शुक्रवार मस्जिद, शनिवार बालाजी के मंदिर। तो संडे चर्च जाती होंगी ना? हाँ जी। आमीन। सर्व धर्म संभव। भाई हाँ? इस लड़की से शादी करोगे तो पागल हो जाओगे। हाँ। जय भवानी, शंभो शंकर, शरणमय्यप्पा, ओम साई राम, अल्लाह अकबर, बोलो अम्बे माता की, आमीन। समझ गया ना? अच्छा है। वैसे आप मंदिरों में पूजा के अलावा और क्या क्या कराती हैं? योगा। जय रामदेव बाबा। चुप। I like it। बैठिए। हाँ। पद्मासन करने के लिए इस पैर को ऐसे रखिए, और इस पैर को ऐसे, हाथों को ऐसे रखना है। इसे कहते हैं पद्मासन। ऐसे बैठने के बाद आंखें बंद करके आराम से सांस लेनी है।
छोड़नी है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब ज्यादा फील ना करें अंकल। क्या हुआ, आप मेरी मम्मी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं पटा नहीं रहा हूँ, लव कर रहा हूँ। मेरी मम्मी आपसे प्यार नहीं करेगी अंकल। अरे जरूर करेगी, अगर तुम मुझे अंकल की जगह पापा कहकर बुलाओ तो। वैसे कल तुम्हारी मम्मी का क्या प्रोग्राम है? हम लोग स्कूल जाएंगे, मम्मी दुर्गा मंदिर जाएगी। मंदिर में? हेलो, या ये कौन है रोड के बीचों बीच? या हेलो याया वाले। या पुण्यवती जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माता जी के मंदिर में आया हूँ। यहाँ आंध्रा बैंक है, कोई माता जी का मंदिर नहीं है। है ना, इंदुमती माता जी का मंदिर। क्या इंदुमती के नाम से माता जी का मंदिर भी है? कहाँ है वो? मेरे सामने तो है। आई लव यू। पुण्य पुण्य कहती रहती हूँ तो आप मुझे पागल मत समझिए। मेरे पीछे घूमकर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पुण्यवती, अच्छे लोगों को हाँ बोलना पुण्य का ही काम होता है। स्टॉप। क्यों? आपको नो एंट्री है। Why? क्यों? काई को? तुम चाहे जितना भी पीछे पड़ो, मैं हाँ नहीं बोलूंगी। ठीक है तो पैरों में गिर जाएगा। ठीक है, कुएं में भी गिर जाओगे ना तो भी प्यार नहीं करूंगी। मेरे आगे पीछे घूमने से अच्छा है कि तुम मंदिरों में जाकर घूमो, कम से कम पुण्य तो कमाओगे। ये और इसका पुण्य? नहीं जी, मैं तो आप ही के चक्कर लगाना चाहता हूँ। एक बार पुलिस कंप्लेंट कर दी ना मैंने तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहोगे। हे मोटू इधरा, अपनों की कोई कंप्लेंट करता है क्या? कौन अपने लोग? मैं तुम्हारी लवर हूँ या तुम्हारी बीवी हूँ? हेलो, हाँ कौन है लाइन पर? लाइन में कोई नहीं है जी, मैं अकेला ही हूँ। यहाँ पर थोड़ी समस्या है जी। अरे आपको कोई समस्या है तो डॉक्टर के पास जाइए ना। छी छी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं फिट हूँ। तो फिर मुझे कॉल क्यों किया? विदाउट परमिशन, विदाउट लाइट बिल, विदाउट रेंट, विदाउट मेंटेनेंस, हमारे घर में एक भूत आके रह रहा है जी। हाँ? अरे बापरे, आपका मतलब मैं आकर आपको भूत से रेंट दिलवाऊं? अरे नहीं भाई, उसे यहाँ से भगाना है। 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख रुपए? 1 मिनट रुकिए सर। बच्ची के हॉस्पिटल का खर्च कितना होगा? 3 लाख। और उस करण को कितना देना? 3। उसका ब्याज पूरा 2 लाख और 2 लाख पॉकेट मनी 10। अब करेक्ट सर, अगर आप 10 लाख देते हो तो हम आकर उस भूत को ठिकाने लगा देंगे। ठीक है मैं दूंगा। तो हम लोग आएंगे, बैंड बजा देंगे। बैंड क्यों, यहाँ कोई शादी है? नहीं, मेरा मतलब है हम उस भूत की बैंड बजाएंगे। लगता है फिर कोई नई मुसीबत में डालेगा। क्या यार, तुम हर काम में राजी हो जाते हो। हम बैंड बजाने वाले हैं, भूत भगाने वाले थोड़ी हैं। ए, बच्ची को बचाना है और उसके साथ साथ अपना कर्जा भी चुकाना है। पता नहीं वो कौन है, गलत नंबर डायल करके हमारी हेल्प कर रहा है। भूत के साथ पहली मीटिंग कल ही होगी। कंगना रनौत, हीरोइन का नाम क्यों ले रहे हो? वो अंदर आ गए क्या? खामोश, अंदर चलो। अब हट का मतलब हल्दी होता है। आएगा आएगा आने वाला आएगा। ये किस हॉरर फिल्म का गाना है? हट हट, बताया नहीं जाता, दिखाया जाता है। अच्छा दिखाया। इस घर में भूत है, उसी के लिए तो आपको बुलाया है। भूत मेल है या फीमेल? अधूरे सपनों के साथ मरने वाली फीमेल भूत तुम लोगों के घर में वास कर रही है। मैं सपने पूरे करने में एक्सपर्ट हूँ, उससे पूछो उसका सपना क्या है। वो ऐसे सपनों की बात नहीं कर रहे हैं। अरे आप कैसे भी करके भूत को इस घर से बाहर निकाल दीजिए, चाहे जितना भी खर्चा हो चलेगा। अगले महीने में मेरी बेटी की शादी है। क्या शादी है? बैंड बजाने का कॉन्ट्रैक्ट हमें ही देना है।
बैंड का कॉन्ट्रैक्ट क्यों? आप लोग तो तांत्रिक हो ना? बैंड हम लोग शादी में नहीं बजाते, भूत की बजाते हैं। जानते हो वो कहती है कि इस घर में शादी नहीं होने देगी। वो क्या रोकेगी, उसकी चमड़ी उधेड़ कर दुल्हन के लिए साड़ी बनवाऊंगा। कल रात को ही उसको अपना बंदी बना लूंगा। अब वो नहीं बचेगी। ये क्या भाई, आप तो डर रहे हो। मैं डरता नहीं, मैं डराता हूँ। अब उसका अंत मेरे ही हाथों से होगा। अरे वाह, कितनी बड़ी रंगोली है, ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली है। क्या दिवाली लग रही है? दीप जलाओ करके डांस मत करना। ओम क्रीम क्रीम वनीला आइसक्रीम। आपने वनीला आइसक्रीम क्यों कहा? आइसक्रीम नहीं, बंधन है, चक्र बंधन है, आत्मा को बंदी करने वाला चक्र है। चलना चल चल। लाइट कैसे जली भाई? लंबा बैटरी डालकर सेट किया है। ओम भूतेश्वरी बहुमती कुराकुरा स्वाहा। ओम क्लेम क्लेम दिनकर करने। ओम फट स्वाहा कुराकुरा स्वाहा। ओम शांति मन शांति विजय शांति डिस्को शांति। डिस्को शांति क्यों बोल रहे हैं? अब विश्व शांति के लिए सारी प्रेत आत्माओं से डिस्को कराना होगा। आवाहनम आवाहनम आवाहनम। किस वाहन से आएगी? अशोक लेलैंड। तुझे वाहन से क्या लेना देना, कौन सी वाहन में आएगी देखना। वेट एंड सी। शाम क्रिम फट स्वाहा। ओम बगबुगे बगनी बागोगिनी बगवासिनी। ये क्या सर, आप तांत्रिक के ऊपर क्यों गिर रहे हो? किसकी आवाज़, सारा मंत्र भूल जाएगा ना। ये मंत्र भूल जाएगा मतलब? मतलब अलग अलग भूतों को बंदी बनाने के लिए अलग अलग मंत्रों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो कहीं मैं भूल ना जाऊँ इसलिए। ओम शाम। अरे ब्रांडी की बोतल क्यों रख रहे हो? लगता है हम लोग फंसने वाले हैं। मूर्ख, ये ब्रांडी बोतल नहीं है, आत्मा को बंदी बनाने वाला कलश है ये। आई सी यू सी। उत्तर दक्षिण पश्चिम जहाँ भी छुपी बैठी है, आजा बाहर निकल, आजा इधर बैठ। तुम्हें बैठने के लिए नहीं करे, चलो जाओ यहाँ से। वेलकम। ये मंत्र फूकी हुई हल्दी पूरे घर में फैला दो। माते काली भूत को जल्दी से क्लीन करो। आवाहनम आवाहनम दिग्बंधनम, आत्मा दिग्बंधनम हो चुकी है। गुरुजी, गुरुजी, तुम बच नहीं सकते। अब आप इस बोतल का क्या करेंगे? जैसे ही आप पेमेंट करेंगे शमशान में ले जाकर इसकी समाधि बना देंगे। गुरुजी, आप क्या देखे, भूत को बंदी करते समय गुरुजी अपने सामने किसी को रहना पसंद नहीं करते। जाओ यहाँ से, भागो। शांति। वो लोग चले गए भाई, सब चले गए। इसके ओए, वो सारे ताबीज उस बोतल को बांध दो, देखते ही गोपाल खुश होकर पूरा पेमेंट कर देगा। हाँ, भाई मेरी किडनी। ए, अपना मुंह बंद कर और ठीक से बांध। भूत अंदर है ना? अब इस कलश में आराम से डोमिनो चीज़बर्गर पिज़्ज़ा खाना। इसे में बंद रहो। रुक जा, रुक जा। ये लो 5 लाख रुपए। ये क्या, हमारी तो 10 लाख की डील हुई थी ना। हाँ, लेकिन पहले भूत को ले जाओ और इसकी समाधि बना दो, और उसके बाद मेरी बेटी की शादी करवा दो, फिर मैं बाकी के 5 लाख दे दूंगा। ये लो पैसे। इसने तो आधे में फंसा दिया। अब हस्तु हस्तु शुभम हस्तु। मस्त मस्त जबरदस्त। क्या मतलब? अब इसी घर में रहिएगा, चलो भाई। नमस्ते सर, अब वो बच्ची कैसी है? कुछ नहीं, अपने दिन गिन रही है बस। देखिए सर, इसमें पूरे पैसे हैं, जल्दी से ऑपरेशन कर दीजिए। वाह, वेरी गुड, जाके काउंटर पे जमा करा दीजिए। ठीक है सर, चल चलते हैं। पेशेंट की रिपोर्ट निकालना जरा।